देश का आधा हिस्सा इन दिनों बाढ़ और बारिश की बर्बादी झेल रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला सूखे की कगार पर है। हालात यह है कि लोग अब यहां बारिश के लिए तरह तरह के जतन और टोटके तक कर रहे हैं। ये तस्वीरें मुक्ति धाम की है। यहाँ के लोगों का दावा है कि शमशान में काल भैरव की पूजा अर्चना और गधों से बुआई करने के बाद अच्छी बारिश होती है और पूर्वजों के बताए अनुसार वह पिछले करीब 50 सालों से इस टोटके को अपना रहे हैं। सुनिए इस पर मंदसौर नगर पालिका के पार्षद प्रतिनिधि व कांग्रेस नेता शैलेंद्र गिरी गोस्वामी का क्या कुछ कहना है। प्रक्रिया रहती है कि अगर कहीं पे बारिश नहीं होती क्षेत्र में, तो उस प्रकार हम उज्जैनी का ऐलान करते हैं। उसके बाद जितने भी देवी देवता हैं हमारे आसपास क्षेत्र में, उनको पूजा जाता है, चाहे वो जंगल में हो, शमशान में हो, कहीं पे उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उज्जैनी का हम परंपरा अनुसार करते हैं, ठीक है, इंद्र देवता मान जाए। और उस प्रक्रिया के बाद अगर 3 दिन में अगर बारिश नहीं होती, ये अधिकतर तो 3 दिन में इंद्र देवता मान जाए, उज्जैनी से भी कार्य हो जाता है, लेकिन अगर वो कार्य सफल नहीं होता तो उसके बाद हमको शमशान में आना पड़ता है और शमशान में आके नमक और उड़द की बोई करी जाती है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही। आप देखिए कि हम चांद के ऊपर चले गए, बड़ी बड़ी विज्ञान हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप गूगल पे बोलो बारिश कब होगी, ये चीज़ें सारी पता लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो हमको बता रखा है, उस पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। विगत 50 वर्ष से यह कार्य हम कर रहे हैं। जब भी मंदसौर में बारिश नहीं हुई तब हमने ये प्रयोग किया तो 100% बारिश हुई है। कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि बारिश हो, बारिश के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि बारिश कैसे भी हो, उसके लिए बाजार बंद करना और सब तरह का काम करते हैं, व्यापारी हो, कोई भी हो, व्यापारियों में निराशा है, किसानों में निराशा है, उनकी निराशा कैसे भगवान दूर करे, उसके लिए हम हर कार्य करने के लिए तैयार, चाहे हमको गधे पे बैठना पड़े, गधे से बुआई कराना पड़े, या हमें नग्न होकर शमशान में निकलना पड़े, तो भी हम ये प्रयोग करने के लिए तैयार है। इससे बारिश होगी तो जिन गधों ने आज अपना पूरा कर्तव्य निभाया है, बारिश होते ही इनको गुलाब जामुन का सेवन कराया जाएगा और इसके बाद बारिश के बाद ये प्रक्रिया की जाएगी। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।